हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में आपने अभी तक देखा कि कैसे हम जयपुर से कोलकाता आते हैं और कोलकाता से हावड़ा ब्रिज से होते हुए हम निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ, जो कि हमने एयरबीएनबी से किया होता है। और वो एक रूम ना होके पूरा 1 BHK फ्लैट होता है और पूरा फुल्ली फर्निश्ड होता है और किचन वगैरह रूम वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्पेसिस होते हैं, बालकनी का तो क्या ही कहने। और थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ मार्केट की तरफ और वहाँ से करता हूँ शॉपिंग। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो जी, अभी हम आ गए थे अमीनिया रेस्टोरेंट में और वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वहाँ की बिरयानी स्पेशल है। और हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे 5 आइटम, जिसमें था चिकन टिक्का बटर मसाला, चिकन रेशमी बटर मसाला, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और फिरनी, जो कि हमने डिज़र्ट में लिया था। और सबका टेस्ट एक नंबर था भाई। और भाई खाते खाते मतलब पेट भर जाएगा, लेकिन आपका जो मन है वो नहीं भरेगा। तो हमने भी वही किया, हमने तो जम के खाया। और सर्विंग के लिए यार अपन ने बुला लिया, क्योंकि कुछ भी चीज़ झूठी ना रह जाए, तो पैकिंग की सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और भाई चम्मच से खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था भाई, चम्मच से खाने का तो ट्राई किया लेकिन ढूंढ ही रहा था, तो हाथ से ही खाना पड़ेगा। और भाई इनका डेजर्ट ट्राई करने के बाद मैं निकल जाता हूँ। तो न्यू टाउन के बस स्टॉप्स इस तरीके के दिखते हैं, जहाँ पर पानी की व्यवस्था है और चार्जिंग सॉकेट वगैरह है। और जो न्यू टाउन है वो है नॉर्थ कोलकाता में बसा हुआ, जो कि न्यूली डेवलप हो रहा है ये एरिया पूरा का पूरा। और भाई मेट्रो का काम यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है। यहाँ पे मेट्रो चालू नहीं है वैसे, जो हावड़ा मुझे छोड़ देगी, तो एसी बस इसकी सर्विसेज भी हैं यहाँ पे। और भाई एसी की बस अपने को मिल जाती है और एसी बस की राइड लेते लेते अपन पहुँच जाते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर हम इसलिए आए थे ताकि अपन पूछ सके कि न्यू जलपाईगुड़ी के लिए अपन बेस्ट कौन सी ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं होती है। तो भाई हावड़ा के स्टेशन पर टिकट काउंटर पर लाइन्स देखिए, कितनी लंबी लंबी लाइन है। और मुझे पूछना है जलपाईगुड़ी के लिए हो जाएगा क्या अभी, तो होता है तो मैं बताता हूँ आपको भी। और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ क्लोक रूम को और लेता हूँ स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट और पहुँच जाता हूँ हावड़ा मेन स्टेशन के अंदर। और यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे लगता है कि यार थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो मैं निकल चलता हूँ वेटिंग रूम की तरफ अपर क्लास, जिसके लिए 10 रुपीज़ पर आवर का आपको पे करना होगा अगर आप भी वहाँ रुकते हैं। तो भाई यहाँ के इसके वेटिंग रूम के अलग इस तरीके से है। और मैंने यहाँ से माजा वगैरह ले लिया अभी, ये देखो ये इनका एसी का अपर क्लास वेटिंग रूम। और हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने से आप प्रीपेड टैक्सी भी बुक करवा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। और यार सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर से देखने को मिलेगी, और ये देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है ये हावड़ा ब्रिज। और मैं खड़ा हूँ अभी वेटिंग रूम में और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये है प्रीपेड टैक्सी की बुकिंग की वाली लाइन, यहाँ पे प्रीपेड मतलब टैक्सी मिलती है। और वो है काउंटर, तो येलो कलर की टैक्सी, अगर आप चाहो तो यहाँ से प्री बुकिंग करवा सकते हो, जिससे कि वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। और वो देखिए हुगली नदी भी दिख रही है यहाँ से। तो यार अपन ने ले लिया लॉन्च का टिकट, जो कि पड़ा 6 रुपये का। और अब चलते हैं लॉन्च की तरफ। तो भाई टिकट चेक कराने के बाद अपन फिर से बोट की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, क्या नाम है वहीं जाके बताता हूँ। और भाई ये राइड मस्त वाली राइड है, हुगली रिवर है ये और इसको गंगा भी बोलते हैं। और ये अपनी बोट चल पड़ी है। भाई ये देखिए हावड़ा ब्रिज का कितना प्यारा व्यू है। अगर आप हावड़ा ब्रिज और हुगली रिवर को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आप ये राइड जरूर करना। और इस टिकट को लेने के लिए आपको हावड़ा स्टेशन की तरफ से आना होगा, जहाँ पे काउंटर बना हुआ है। और 6 रुपये में मात्र आप 20 मिनट लंबी ये बोट राइड ले सकते हैं। और इस बोट राइड के अंदर आपके साथ साथ सैकड़ों लोग और भी होंगे, जो कि इस हुगली रिवर को क्रॉस कर रहे होंगे। और भाई जो ये लॉन्च है वो हावड़ा की तरफ से बाबूघाट की तरफ जाती है, और इसमें इसको लगता है 15 से 20 मिनट का समय। और भाई इसमें सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आपको सीट पे बैठना भी नहीं है, क्योंकि आपको लेना है मज़ा हुगली रिवर का और हावड़ा ब्रिज का। वापस घूम फिर कर हम आ गए हैं स्प्लेनेड की तरफ, और यहाँ से अपने को लेनी है सिलीगुड़ी के लिए बस। तो ये आ गए अपन बस स्टैंड, जहाँ से अपने को मिलेगी सिलीगुड़ी के लिए बस। तो सबसे पहले मैं यार बुकिंग करवा लेते हैं, उसके बाद ही आगे का स्टेप लेने में फ़ायदा रहेगा। भाई टिकट तो अपने को मिल गया था, लेकिन उसमें एक पंगा हो गया था, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल अपन आ गए थे एस्प्लेनेड मार्केट की तरफ। भाई ये है एस्प्लेनेड मार्केट यहाँ का, और भाई बहुत सस्ता मार्केट है ये। और एस्प्लेनेड के मार्केट को घूमते हम पहुँच जाते हैं दिल्ली 6 के रेस्टोरेंट के सामने। और वहाँ पर हम ऑर्डर करते हैं तंदूरी चिकन और अफ़गानी चिकन, और उसके साथ लेते हैं रुमाली रोटी। तो भाई ये अपना था तंदूरी चिकन, और ये आ गया अपना अफ़गानी चिकन, और साथ में है रुमाली रोटी। और इतना सब कुछ खाने के बाद हमारा बिल आया था 328 रुपीज़। और इसके बाद मैं रिटर्न आ ही रहा होता हूँ, और मुझे रास्ते में दिखता है बर्गर किंग, और यहाँ से मैं लेता हूँ सॉफ्टी वनीला फ्लेवर, जो कि बहुत ही शानदार थी। तो खाने के बाद
डेजर्ट में अपन आइसक्रीम खा रहे हैं। तो भाई अंदर से जैसे ही बाहर आए ना तो गर्मी की बहुत लगी सामने, तो अंदर तो एसी में बैठे थे तो एक आधा घंटा वहाँ निकल गया अपना। तो भाई अभी मैं केएफसी आया था तो जैसे ही टॉयलेट में गया तो वहाँ की कुंडी बंद करते हुए मतलब ये मुझे लग गया, कुंडी इतनी शार्प है जैसे वॉशरूम में, तो ये कट गया और इसके बाद ब्लीडिंग होने लग गई। तो ब्लीडिंग होते होते मतलब ये तो दूसरा टिश्यू पेपर है जो मैंने ख़राब कर दिया। बाकी यहाँ पे मैनेजर को मैंने इन्फॉर्म किया कि वो कुंडी को ठीक करे तो उन्होंने बैंडेड भी लगा दिया, तो अभी टेम्प्ररी तो मतलब जुगाड़ हो गया है तो टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी मेरी गाड़ी छूटने में तकरीबन 2 घंटे का समय बाकी है, तो चलते चलते फिर से भूख लगी तो मीट ऑन व्हील्स पे अपन खा रहे हैं चिकन पकौड़ा। और अभी मैं एस्प्लेनेड की गलियों में घूम रहा हूँ, वो सामने ही है मतलब एस्प्लेनेड की बस स्टैंड जहाँ से 7 बजे मेरी गाड़ी है सिलीगुड़ी के लिए, जो कि जलपाईगुड़ी के भी बाद में पड़ेगा और दार्जिलिंग के करीब पड़ेगा। चलो यार जैसे तैसे टाइम पास कर रहे हैं। तो भाई ये कुछ इनका है चिकन पकौड़ा, तो भाई इस तरीके से दिखता है, खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है। और भाई खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो भाई ने ऐसा कुछ टिकट बना के दिया है सिलीगुड़ी तक का, और ये इन्फॉर्मेशन मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि यार नंबर वंबर है। और भाई इसमें इतना इसने काट पीट कर दिया है कि पहले स्लीपर क्लास के लिए टिकट बुक किया था उसने, बट सीट नहीं थी, फिर उसने सीट का दिया मुझे तो जो मुझे पड़ा 600 का, और अगर मैं स्लीपर लेता तो मुझे 700 का पड़ रहा था, बट 700 फुल हो चुका है। और अभी मैं जा रहा हूँ सीटिंग से, और अगर आप एसी वाली करवाते हो तो एसी वाली के लिए आपको पड़ेगा 1500 रुपये और जाता है ये 4000 तक। और 7 बजने ही वाले होते हैं और हम पहुंच जाते हैं एस्प्लेनेड के बस स्टैंड पे जहां से हमारी जो जर्नी थी स्टार्ट होने वाली थी सिलीगुड़ी के लिए। तो ये हमारी कुछ बस थी जिसकी जर्नी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना।